नमस्कार दोस्तों, हमारे आयुर्वेदा उद्धार चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आयुर्वेदिक क्लासिकल एवं पेटेंट दवाइयां जो कि प्रतिष्ठित आयुर्वेदिक कंपनी द्वारा निर्मित हैं, उनकी विभिन्न दवाइयों के उपयोग एवं गुणधर्मों की जानकारी हम आपको देते हैं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आज हम लवण भास्कर चूर्ण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। लवण भास्कर चूर्ण का सेवन मंदाग्नि, इंडाइजेशन, बदहजमी, पेट रोग, तिल्ली, क्षय, टीवी, वात कफज, गुल्म, अर्थ पाइल्स, गृहिणी, पतले दस्त, कुष्ठ, बेबंद आदि विकट पीड़ा आदि रोगों को नष्ट करने में सहायक है। लवण भास्कर चूर्ण खाने में काफ़ी स्वादिष्ट और अत्यंत लाभकारी है। रोज भोजन के बाद लवण भास्कर चूर्ण का सेवन किया जाए तो पेट के रोग होने की संभावना नहीं रहती। रात को सोते समय गर्म पानी के साथ लिया जाए तो सुबह शरीर का पूरा मल साफ हो जाता है। यदि पंचसकार चूर्ण के कुछ भाग को मिलाकर रोगी को दिया जाए तो सुखपूर्वक 2-3 दस्त खुलासे हो जाते हैं। मंदाग्नि यानी इंडाइजेशन और संग्रहिणी बार बार दस्त होने की बीमारी की उत्कृष्ट दवा है। बात पित्त, इनमें से कोई भी दोष प्रदान होने के कारण मंदाग्नि, इंडाइजेशन और संग्रहिणी बार बार दस्त होने की बीमारी इसके सेवन से दूर हो जाती है। लवण भास्कर चूर्ण को 2-3 चम्मच दिन में सुबह शाम शीतल जल या छाछ के साथ सेवन करना चाहिए। लवण भास्कर चूर्ण सेंधा नमक, काला नमक, धनिया, पीपल, पीपला मूल, स्याह जीरा, तेजपात, नाग केसर, तालिस पत्र, समुद्र नमक, काली मिर्ची, जीरा, सौंठ, अनारदाना, दालचीनी, बड़ी इलायची आदि के मिश्रण से बनाया जाता है। लवण भास्कर चूर्ण दिव्या, डाबर, पतंजलि, बैद्यनाथ, जीवा आदि ब्रांडों में उपलब्ध है, जो कि आप नज़दीकी आयुर्वेदिक मेडिकल एवं ऑनलाइन माध्यम से मंगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों कृपया इसे लाइक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें।